हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीजी में आप हमने मॉडल आंसर्स जारी कर दिए हैं, तो उसी क्रम में हमने पेपर वन सेट ए देख लिया है। अब हम पेपर टू देख रहे हैं। पेपर टू का ये सेट ए है, और सेट ए कौन सा है ये, तो सोशल साइंस का है आपका। तो सोशल साइंस जिसका भी पेपर रहा हो सेट ए, तो वो लोग अपने आंसर्स मिला लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के, वहाँ जाके लिंक में क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने आंसर्स आपके जो भी सेट हैं तो आप मिला सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, या फिर आप सीजी व्यापम की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी पेपर वन, पेपर टू, सोशल साइंस और मैथ्स का सेक्शन जो दिया हुआ है उसको आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्टली आंसर्स में आएंगे कि क्या है हमारे आंसर्स। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आंसर्स को मिला सकें। साथ में व्यापम ने ये भी बात क्लियर कर दी है कि जिस किसी को भी दावा आपत्ति इसमें पेश करनी है तो वो 11 अक्टूबर 5 बजे तक अपनी दावा आपत्ति कर सकते हैं, है ना। तो आपको यदि लगता है कि आप सही हैं तो साक्ष्य के साथ में आप दावा आपत्ति के लिए भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया सेट ए की बात करें, सोशल साइंस। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिक भिन्नता को समझने का प्रयत्न। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, गार्टन के द्वारा किया गया था। फिर सेकेंड है हमारा, 1 2 3 4 करके मैं आंसर बताती जा रही हूँ। 2 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के साथ साथी समूह, सिगमंड फ्रायड वाला जो क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद 4 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर 5 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 6 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर 7 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर 8 का हमारा करेक्ट आंसर है बी। फिर 9 का देखेंगे यदि हम, तो 9 का करेक्ट है ए। फिर 10 का यदि हम बात करें, 10 का है ऑप्शन नंबर ए, सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं पूछा गया था। 11वें का है ऑप्शन नंबर सी, हेलेन केलर। फिर उसके बाद में 12वें का है ऑप्शन नंबर बी, काल्विन। फिर उसके बाद में 13 का दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि। फिर उसके बाद 14 का दिया गया है प्रभाव का नियम। फिर 15 का दिया गया है गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। 17 में भी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 18 में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाम मात्र की भूमिका। 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा, 20 का ऑप्शन नंबर बी है। फिर 21 का भी ऑप्शन नंबर बी है, बेहतर होता है। 22 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर 23 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24th का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 25th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन। और 26th का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 27th का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, और 28th का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। 29 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, और 30 का हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइकर तथा इरविन। तो ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम हिंदी में आ जाते हैं। तो हिंदी 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। फिर 32 का दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी और कर्तव्य। 33 का दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसन्न भूतकाल। 34 का दिया गया है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि वाक्यांश। मुहावरा क्या होता है, तो मुहावरा वाक्यांश होता है। 35 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ। 36 है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव लेखन। 37 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा, क्रोधी शब्द संज्ञा है। और 38 का करेक्ट आंसर है हमारा झिलमिल क्या है, तो देशज शब्द है। 39 का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40 का करेक्ट आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर सी। 41 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद में 42 का करेक्ट आंसर है हमारा अपरिपक्व व्यक्ति का बड़पोलापन, और 43 का करेक्ट आंसर है हमारा सी भांति। फिर उसके बाद में 44th में हम आ जाते हैं, 44th का करेक्ट आंसर दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर बी अभी, और 45 का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर बी नाम धातु क्रिया। 46th का दिया गया है ऑप्शन नंबर बी गहन अर्थ ग्रहण करना, और 47th का है करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी शक्ति। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी शक्ति को। फिर 48 दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम पुरुष। फिर उसके बाद 49 की हम बात करते हैं, तो 49 का करेक्ट आंसर हमारा डी यानी कि किताबी। 50 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आज्ञावाचक, और 51 में है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा उपवाक्य। 52 का करेक्ट आंसर दिया गया है संप्रदान कारक, और 53 का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी सुंदर और सत्य को पाना। 54 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, ढाक के तीन पात, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। 54th हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। 55th में हम आ जाते तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता श्रवण कौशल का विकास है। 56th है हमारा करेक्ट आंसर कि तीन घटनाएं घटित हुई। फिर 57th का करेक्ट आंसर है हलवाई, विदेशी शब्द का उदाहरण हलवाई है। 58 है हमारा तारक टिप्पणी चिन्ह, और उसके बाद में 59 दिया गया है डी महती, महान महती। 60 का करेक्ट आंसर दिया गया है बी पारावाद, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी पारावाद। फिर हम आ जाते हैं इंग्लिश में, तो 61 का करेक्ट आंसर है हमारा ए फुलिश, 62 का है बी नाउन, 63 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगेन नाउन दिया गया है, और 64 की यदि हम बात करें तो इज ऑब्वियस डाइवर्जेंस फ्रॉम सिंपलटन यानी कि 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और 66 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 67 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 68 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 69 का करेक्ट आंसर दिया गया है हमारा, 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट। फिर उसके बाद में बताया गया 70, तो 70 में हम आ जाते ऑल ऑफ द एबव। फिर 71st क्या दिया गया है, तो 71st दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 72nd यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 73rd हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंज। फिर उसके बाद 74th में हम आएंगे, तो 74th हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है सी शेकिंग मूवमेंट, और 75th में करेक्ट आंसर दिया गया है सी यानी कि गोल्फिन कम फ्रॉम पिचिंग चुरप। 76th का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर, और 77th का करेक्ट आंसर दिया गया है ए वाइल्ड लिसनिंग एक्टिविटी। 78th का करेक्ट आंसर दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद में हम 79 में आ जाते हैं, 78 तक हमने देख लिया, 79 में दिया गया है सी, और 80 में दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज, शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज। फिर 81 में हम आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इंटेंसिव रीडिंग, और 82nd का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंड टर्म एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद में 83rd की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, और 84th की यदि हम बात करें तो 84th का करेक्ट आंसर है हमारा डी न्यू मार्क, क्या दिया हुआ है न्यू मार्क। 85th का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, और 86th का करेक्ट आंसर है हमारा इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 87th की यदि हम बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। 88th का करेक्ट आंसर है हमारा ए प्रोफिशियंसी टेस्ट, और उसके बाद में हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 89 में, तो 89 है हमारा कॉग्निटिविस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और 90 है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोड मिक्सिंग, क्या है कोड मिक्सिंग। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने पार्ट 4th में, यानी कि ये है सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की यानी कि 91st क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही है, 92nd हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, फिर 93 ऑप्शन नंबर सी चैतन्य, 94 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मुतासिब है हमारा करेक्ट आंसर 94th, 95th को यदि हम देखें तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी, 96th का करेक्ट आंसर है हमारा बाजीराव द्वितीय ऑप्शन नंबर बी, फिर 97th का करेक्ट आंसर हमारा डिजराइली यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 98 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1997, 99 का करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन यानी कि अगस्त 1858, फिर 99 हमने देख लिया, 99 हमने देख लिया, 100 में यदि हम आए तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाति पंचायत, और 101st का करेक्ट आंसर है हमारा बी भूस्वामी, फिर उसके बाद में हम 102 में आ जाते तो करेक्ट आंसर है हमारा सी बांसवाड़ा, 103 में यदि हम देखें तो समावर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा करेक्ट आंसर है हमारा संकीर्तन ऑप्शन नंबर बी संकीर्तन, फिर 105 की यदि हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक परंपरा हमारा करेक्ट आंसर है, 106 को यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है जुकर संस्कृति, और 107 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी शैलेंद्र हमारा सही है, फिर ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें 108 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है सुदास, और 109 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबुल फजल हमारा करेक्ट आंसर है, फिर 110 की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी रामानुज, फिर उसके बाद 111 की बात करो तो ए ऑप्शन सही है सुरक्षा घेरे की नीति, 112 का करेक्ट आंसर दिया गया है 1994 ऑप्शन नंबर ए, फिर 113 का आंसर दिया गया है डी वल्लभी, फिर 114 का आंसर दिया गया है डी यानी कि 3, 115 की बात करेंगे हम लोग तो 115 हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है बी यानी कि 143, 116 में हम आ जाएं तो 116 में दिया गया है बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 117 की बात करेंगे तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, फिर 118 में यदि हम आ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, फिर उसके बाद 119 में करेक्ट आंसर है हमारा सी, फिर 120 में हमारा करेक्ट आंसर है डी प्राकलन समिति, फिर 121 को यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 122 में हम चले जाएं तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, 123 की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही है, 124 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, फिर उसके बाद में 125 में आ जाइए तो 125 में हमारा करेक्ट आंसर है बी संताप मंडल, और 126 में हमारा करेक्ट आंसर रतनपुर सी, फिर 127 का करेक्ट आंसर हमारा दिया गया है ए जगदलपुर, और फिर उसके बाद में 128 में हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है बी यानी कि उपोष्ण कटिबंधी और उच्च दाब की पेटी, 129 का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए प्रेम सागर मिश्रा, और 130 का करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी सेमरसोत अभ्यारण्य सरगुजा में है, फिर उसके बाद में 131 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी कवि ईशान, और 132 का करेक्ट आंसर हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, फिर 133 की बात करें तो 133 का करेक्ट आंसर है बी 1910 में हुआ था भूमकाल का विद्रोह, और 134 का करेक्ट आंसर है सी गरियाबंद चिंगरापार जलप्रपात गरियाबंद में है, फिर 135 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पंडित राम दयाल तिवारी छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा इन्हें दी गई है, फिर 136 में हम आ जाएं तो 136 का करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगने वाला क्या क्या है तो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश, फिर 137 की बात करेंगे 137 तो 137 का करेक्ट आंसर है हमारा भाटा यानी कि लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम भाटा कहते हैं, फिर 138 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है लेजा के बारे में पूछा गया था तो बस्तर करेक्ट आंसर है, 139 की यदि हम बात करें तो 139 में तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहां पे लगा, फिर 140 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है भूपटल एवं मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है, फिर 141 को यदि हम देखें तो सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 142 का करेक्ट आंसर लिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, फिर 143 को यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है टाइम आउट तकनीक,
और 144 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 145 की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, असली दुनिया। और 146 में हमारा करेक्ट आंसर है तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 147 को यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जॉन डेवी। और 148 को यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन। और 149 में करेक्ट आंसर है रूब्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 140 जो कि लास्ट है हमारा, 150 जो कि लास्ट है हमारा, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धीरे धीरे नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। कैसे? तो धीरे धीरे। तो ये है हमारा 150 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स जो कि व्यापम ने जारी किए हैं। पेपर 2 है ये और सोशल साइंस सेट ए है। तो आपके कितने बन रहे हैं आप अपने मिला लीजिए, और उसके बाद में यदि आपको दावा आपत्ति भी करनी है तो 11 अक्टूबर से पहले पहले 11 अक्टूबर 5 बजे तक आप कर सकते हैं। समय दे दिया गया व्यापम की वेबसाइट में, ये पेपर आंसर, ये मॉडल आंसर डाल दिया गया, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जहां से भी आपको तो डाउनलोड करना है तो कर लीजिए। साथ में आपके जितने भी बने उसको देख लीजिए। और यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स भी चल रहा है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप कोर्स के विषय में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आप ले सकते हैं, और कोर्स में अब लग जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और फीस एकदम ही ऑप्टिमम है, 999 रखा गया है, यानी कि 999 है फीस। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आशा है आपके उत्तर सही आ रहे हों और आपका सिलेक्शन हो रहा हो, आप एटलीस्ट कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। इसी के साथ में सेशन को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।